फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बीते सोमवार को बल्लभगढ़ मार्केट के व्यापारियों को बिजली न होने के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि बल्लभगढ़ में बिजली लगभग 13 घंटे कट रही है। व्यापारियों ने इस समस्या को लेकर बार बार बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी जल्द समस्या का समाधान होकर बार बार व्यापारियों को डालते हैं। बता दें कि बिजली न होने के चलते व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहक नहीं आए, जिसके चलते व्यापारी अपनी दुकान समय से पहले बंद कर चुके हैं। अंधेरे में अपनी दुकानों पर ग्राहकों का इंतजार करते दिख रहे बल्लभगढ़ कपड़ा मार्केट के व्यापारी हैं, जो बीते सोमवार को बिजली न होने के चलते न केवल शाम के अंधेरे से परेशान हुए, बल्कि पूरे दिन उन्हें बिजली न होने के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि लगभग सुबह 7 बजे से लेकर रात के लगभग 8:30 बजे तक बिजली नहीं आई, जिसके चलते व्यापारियों के दुकानों में लगे इन्वर्टर भी जवाब दे गए और उन्हें दिन में ही अंधेरे का सामना करना पड़ा, जिसके चलते अंधेरे में वे सही ढंग से दुकानदारी भी नहीं कर पाए। इस समस्या को लेकर व्यापारियों ने बार बार बिजली विभाग के JESDO, बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों और मंत्री के बड़े भाई टिपरचंद शर्मा को भी फोन किया, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी उन्हें बार बार जल्द समस्या का समाधान होने का हवाला देते रहे। लाइट हमने सुबह दुकान 8 बजे खोली, तब से लाइट नहीं है। हमने उसके बाद 9 बजे कंप्लेंट करी, 10 बजे, दोपहर को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, XCN से, SDO से, सबसे हमारी बात हुई, JEE से, सब ने कहा कि 5 मिनट में लाइट आ जाएगी, आधे घंटे में लाइट आ जाएगी, पीछे से फॉल्ट है। अब तक हमारी कोई लाइट नहीं आई है। हमने हमारी दुकान अब इस टाइम आप देख रहे हैं सारी बढ़ चुकी है, इन्वर्टर भी बंद हो चुका है। इन्वर्टर सुबह 2 घंटे चला, उसको इन्वर्टर बंद हो गया ना, सुबह से कोई ग्राहक हुई। हमने सुबह से इतनी कंप्लेंट करी है, इतनी कंप्लेंट हमारे फोन में भी रिकॉर्ड है, पर वो कह रहे हैं अभी 15 मिनट में लाइट आ जाएगी, आपके आधे घंटे में लाइट आ जाएगी, कोई लाइट नहीं आई है। इस टाइम शादी ब्याह का सीजन है, हमारा त्यौहार का सीजन होता है, पर लाइट नहीं, ना ग्राहकी है, और हमारी दुकान भी बढ़ चुकी है। आप देखेंगे हमारे के साथ साथ मार्केट की 4-5 दुकान है वो बंद हो चुकी है। उसके बाद हमें कोई ना अब तक लाइट आई है, ना कोई आश्वासन दिया जा रहा है आ जाएगी, अब तक कोई लाइट नहीं आई है। सुबह से करीब 7:30 बजे से लाइट नहीं आ रही जी, अब रात की मेरे ख्याल 8-1 बजे बड़ी हो गई, अभी तक लाइट नहीं आई। रेडीमेड की दुकान है, ये लगा लो करीब 12 घंटे हो गए, 12 घंटे से लाइट नहीं आई है। था कंप्लेंट भी डलवाई थी, SDO साहब से भी कहा था, JEE से भी कह दिया, एक्शन से भी कह दिया, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कह रहे भेज दिया लाइट तुम्हारी ठीक हो गई है, सामने देखो सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, बिना लाइट के थी वो भी, हम भी ऐसे ही बैठे हैं बिना लाइट के ही, क्या करें बिना लाइट के। कस्टमर तो मतलब ही नहीं है, जब इतनी अंधेरा आपको नजर आ रहा है, कस्टमर कहाँ से आ जाएगा, अंधेरे में तो वैसे भी नहीं आएगा कस्टमर। तो मेरा नाम प्रेम खट्टर है जी। मैं हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ का प्रधान हूँ। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि लाइन मैन XCN SDO को सुबह 7:30 बजे से मैं फोन कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, पहले तो उठाए नहीं दे। बाद में एक SDO कहता है जी जाके इससे बात करो। मैंने कि हमारे पास जो लाइन वाला आता है वो जाके ऊंचे गांव से आता है जी। और फिर मैंने दोपहर को XCN को भी जाके फोन करा, मैंने कि जी ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे लिखित रूप में डाला है जी। उसके बाद मैंने जाके आदमी टिपरचंद जी और उनके PA को भी जाके करा है कि जाके हमारी सुबह 7:30 बजे से लाइट नहीं आ रही। लेकिन दुख का विषय ये है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक दूसरे को वो अभी 30 मिनट में बैठ रहा हूँ, 45 मिनट, अब 8 बज गए, मजबूरी में हम यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि लोग पूछने लगते हैं क्या बात होगी, कैसे बंद होगी, जाके 9 बजे से पहले बंद नहीं करते जी जी। और अभी तक लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है, ना आई है ना ट्रांसफार्मर। मेरे साथ ही नजदीक BDO ऑफिस है, यहाँ पर भी कोई बंदा नहीं आया। अधिकारियों से बात हुई है आपकी, तो क्या बताया उन्होंने, क्या कह रहे हैं? अधिकारियों ने कहा कि जल्दी आ रही है आधे घंटे में जी। वो अभी तक इसके दोपहर 12 बजे से लेकर अब तक उनका आधा घंटा नहीं हुआ। एक SDO के चावला कॉलोनी वाले से बात करो, चावला कॉलोनी वाला के ऊंचे गांव जी। हम लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं है, और तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है। कितने घंटे हो गए? पूरे जगह 13 घंटे हो गए। 13 घंटे से नहीं हुई, 13 घंटे से अभी उम्मीद ही नहीं समझ रहे कि जाके हमारी कल भी ठीक हो रही है या नहीं हो रही है।